हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये 5 मिनट मेकअप ट्यूटोरियल। ये वाला लुक क्रिएट करने के लिए मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट और बहुत ही कम समय के अंदर मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने ये वाला लुक किस तरीके से क्रिएट किया है। और गाइस, मैंने ना इस वीडियो में कोई स्किन केयर नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं स्किन केयर करने के बाद ही मेकअप शुरू करती हूँ। तो इसलिए मैंने और एक्स्ट्रा इस वीडियो में नहीं दिखा, क्योंकि टाइम बहुत कम टाइम के अंदर मुझे बस पूरे मेकअप लुक को दिखाना था। इसलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, और जहाँ पर मेरा आंखों का जो डार्क सर्कल है और पिंपल का मार्क्स है, मैं वहाँ पर ही अप्लाई कर रही हूँ। और एक्स्ट्रा कहीं पर भी मैंने अप्लाई नहीं किया है। और इसे मैं हाथों से ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। आप चाहे तो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है। हाथों से ही बहुत धीरे धीरे अगर ब्लेंड करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है। और हेवी मेकअप नहीं करना था, तो मुझे बस थोड़ा सा डार्क सर्कल को हाइड करना था, तो मैंने हाथों से ही इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया है। देन गाइस, मैं निका के आई शेडो पैलेट में से ये शेड नंबर जो शेड है बर्थडे केक वाला, ये पैलेट है, इसमें से मैं पिंक कलर को लेके पूरे लिड पर ब्लेंड करूँगी। इसमें से मैं 2 पिंक कलर को ही यूज़ करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं वो वाला पिंक कलर को अपने हाथों से ब्लेंड करूँगी, हाथों से ही अप्लाई करूँगी पूरे लिड पर, ताकि पिगमेंटेशन अच्छे तरीके से आए। उसके बाद जो डार्क वाला जो पिंक कलर है, उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर। देन गाइस, उसके बाद मैं दूसरे आंखों पर भी सेम तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, और बाएं हाथों उसे मैं बाएं आंखों पे अप्लाई कर रही हूँ। इससे ना अप्लाई बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और इजी भी होता है बहुत। देन इसमें से एक फ्लफी ब्रश को लिया है मैंने, और जो ऑरेंज वाला कलर है उसे मैंने लिया है। ये जो आई शेडो है ना, थोड़ा पाउडरी है। और उसके बाद मैं इसे पूरे लिड के ऊपर जो अप्लाई किया था पहले, जो पिंक कलर का आई शेडो, उसी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और आंखों के थोड़ा सा ऊपर भी मैंने इसे अप्लाई किया है, ताकि थोड़ा सा डार्क कलर दिखे। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है। देन गाइस, इसे अप्लाई करने के बाद मैं एक पेंसिल ब्रश लूँगी, और ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन लेके वाटर लैश लाइन के नीचे अप्लाई करूँगी, ताकि दोनों कलर का जो आई शेडो मैंने अप्लाई किया है, वो आंखों के वाटर लैश लाइन के नीचे से भी अप्लाई करने से ना, आंखों में जो भी कलर मैं अप्लाई करूँगी आई शेडो, या फिर पूरा जो आंखों का लुक आएगा, वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और सेम प्रोडक्ट, मतलब ब्रश में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था, उसी को लेके थोड़ा सा जो हर्ष लाइन था आंखों के, जो आई शेडो मैंने अप्लाई किया था, उसे अच्छे तरीके से मैंने हर्ष लाइन को ठीक कर दिया है। देन गाइस, मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। ये लैक्मी का है जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, और इससे मैं अपने पूरे जो बेस मेकअप है, इसको कंप्लीट करूँगी। मैं कोई भी फाउंडेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही 5 मिनट का मेकअप है, इतना इजी वीजी मेकअप है। उतना सारा फाउंडेशन अगर आप चाहे तो कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, और अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, और बहुत ही लाइट रखा है, क्योंकि ये डे मेकअप है, इसलिए मैंने बहुत ही आईब्रोज को बहुत ही लाइट रखा है। और गाइस, इसी के साथ जो कोम आता है, उसी से मैं अपने आईब्रोज को कोम भी करूँगी। आप सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आईब्रोज को कोम नहीं करेंगे ना, तो वो आपका आईब्रोज बिल्कुल नकली सा लगता है, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लगता है। कोम करने के बाद ही आपका जो आईब्रोज है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है।
देन गाइस मैं यहाँ पर ब्लू लाइनर अप्लाई करूँगी। लैक्मी का इंस्टा लाइनर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है और मैं बहुत ही पतला सा विंग लाइनर क्रिएट करूँगी। ओवरऑल जो मेरा आई लुक आया है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जो कि मुझे इतना सारा प्रोडक्ट यूज़ करना ही नहीं पड़ा और मुझे उतना सारा कुछ करना ही नहीं पड़ा, बट मेरा जो आई लुक आया है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है। मैंने ना कोई भी काजल अप्लाई नहीं किया है, बस वाटर लैश लाइन के नीचे सेम आई शेडो को मैंने अप्लाई किया था, उसी से ही मेरा आई लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आई मेकअप ना, जब तक आप मस्करा अप्लाई नहीं करेंगे तो वो इनकम्प्लीट रह जाता है। उसके बाद मैं मेबलिन का हाइपर कल मस्करा यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ और मैं मस्करा अप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ, तो मुझे ना ऑन कैमरा मस्करा अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो मैंने फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत करके अप्लाई कर लिया है। और हाँ, वाटर लैश लाइन और अपर लैश लाइन दोनों लैश लाइन के ऊपर ही आप अच्छे तरीके से मस्करा का कोड अप्लाई करेंगे ना, तो आपका जो आई होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा खिला खिला लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी। उसके बाद गाइस मैं अपने लुक को कंप्लीट करूँगी यहाँ पर लिपस्टिक से। मैंने यहाँ पर स्टेक वर्की का पिंक कलर शेड में 8 है मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, और ये ना कोई भी स्किन टोन हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला एक पिंक लिपस्टिक है। उसके बाद लास्ट में अप्लाई करूँगी मेरा जो ब्लश है, और बहुत ही लाइट सा ब्लश मैं अप्लाई करूँगी, और ब्लश मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने नोज़ पर भी थोड़ा सा ब्लश अप्लाई किया है और दोनों गालों के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई किया, अच्छे तरीके से मतलब बहुत ही लाइट अप्लाई किया है, और पूरा जो लुक आया है ना बहुत ही हेल्दी लुक लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला अच्छा लुक आया है गाइस। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ओवरऑल जो लुक आया है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने अपना चूड़ी को पहन लिया है मेरे ड्रेस के साथ, और मैंने ना चोकर पहना है यहाँ पर, चोकर के साथ भी लुक को दिखाया है और विदाउट चोकर भी यहाँ पर मैंने लुक को शेयर किया है, देख सकते हैं। आई होप गाइस ये वाला लुक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और 5 मिनट के अंदर बहुत ही जल्दी अगर कहीं पर जाना हो तो उसके लिए ये वाला लुक आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ये वाला जो लुक है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा टाइम के अकॉर्डिंग, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, और मेरा वीडियोस अगर देखना पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बाय बाय।